इस सभागृह में अपने उत्साह सहित उपस्थित सभी तरुण बंधु भगिनी, उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिनी, ऐसा ही भाषण बहुत साल पहले मैंने एक बार दिया था। उसका प्रारंभ जिस वाक्य से किया था उसी वाक्य से इस भाषण का भी मैं प्रारंभ करता हूं। आपका जोश बहुत प्रेरक है, लेकिन मैं यहां होश की बात करने के लिए आया हूं। जोश तो आवश्यक है, बिना जोश के कोई काम नहीं होता। इसीलिए तरुणों को कहा जाता है कि तरुण सारे काम करते हैं, क्योंकि तरुणाई जोश का दूसरा नाम है, जोश तरुणाई का दूसरा नाम है। परंतु जोश को दिशा चाहिए, और जोश क्षणिक होता है, चाहे जब उसको बुलाकर उससे काम करवा लेने का काम होश करता है। और इसलिए आज अपने स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में 14 अगस्त को हम लोग यहां बैठे हैं, और हमने ये नाम दिया है कि 2047 की हमारी विजन क्या है और हमारी एक्शन क्या हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस विजन और एक्शन के लिए ताकत और उत्साह चाहिए, जोश और हिम्मत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसकी एक दिशा चाहिए, और उस दिशा को समझने के लिए होश के साथ विचार करना पड़ता है। हमको 2047 में भारत को बड़ा करना है। अब अपने आप को बड़ा करना है तो भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। यहां तो पूरा देश खड़ा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे सामने वो सारा इतिहास एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो जो कहानी है देश को बड़ा करने की, वो हमेशा खून से, पसीने से, आंसुओं से लिखी जाती है। नारे तो उस पर बाद में लगते हैं, पता नहीं उस समय नारे लगे कि नहीं। और इतना तो पता है कि वंदे मातरम के नारे लगे तो अंडमान में जाना पड़ा काले पानी की सजा भुगतने के लिए। नुकसान उठाना पड़ता है। हम अगर ये संकल्प लेना चाहते हैं तो हमको पता है कि इसके पहले 75 वर्ष ही नहीं, जब से पहला आक्रमक वायव्य दिशा की अपनी सरहद लांग कर इस देश में कदम रखता गया, तब से आज तक इस भारत को भारत रखने के लिए, इस भारत को बड़ा होने के भविष्य का अवसर रखने के लिए कितने ही वीरों के बलिदान हुए हैं। लाख लाख पीढ़ियां लगी जब हमने इस संस्कृति को उपजाया, और कोटि कोटि सर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। उस बलिदान की, त्याग की तैयारी जिनकी है, उनके लिए ये विजन, ये एक्शन है, उनके लिए आज का कार्यक्रम है। जो ये हिम्मत नहीं करते सोचने की भी, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो केवल अपनी सोचते हैं उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। जो चाहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर बढ़ते वीर अनेक, ऐसी उमंग जिनके मन में है उनके लिए ये कार्यक्रम है। हमको ये विचार करना होगा
विजन और एक्शन 2047 की, इस पर भाषण देना आसान है, इस काम को करना है तो बीड़ा उठाना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनों चले हमारे साथ। कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी हंसते हंसते। कोई पश्चाताप नहीं था। खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी माताजी थी, सार्वजनिक फांसी हो गई, माताजी भीड़ में खड़ी रहकर देख रही थी, उसके आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। खुदीराम बोस के मन में क्या विचार है, कवि वर्णन करता है। खुदीराम बोस कहते हैं, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं, काम अधूरा है, 9 महीने के बाद फिर तुम्हारे ही उदर से जन्म लूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए फिर जीवन खपाऊंगा। ये जोश चाहिए जो होश से निकलता है। पहली तो बात है, हमारे एक्शन के पहले हमारा गोल, उस गोल तक जाने की पक्की संकल्प शक्ति। ये काम हमको करना ही है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। भारत को हमको बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है। कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है, देखो अमेरिका में कैसा है, भारत को बड़ा करना है, देखो चाइना कहां तक पहुंचा, भारत को महाशक्ति बनाना है। भारत को भारत के नाते बड़ा बनाना है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका बड़ा तो बना है, बलाढ्य है, संपन्न है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, लेकिन सारी दुनिया पर अपनी व्यवस्था लाने का डंडा चलाता है, क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे संसाधन चाहिए। चीन भी बड़ा बना है, आगे गया है, लेकिन अपने सामर्थ्य का उपयोग अन्य देशों के टुकड़े अलग करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करता है। क्या भारत को ऐसा बनना है? ये भारत नहीं है। भारत एक स्वभाव है। भारत ने जाना है, इतिहास ने जब आंखें खोली तब उसको ज्ञान संपन्न भारत मिला। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान है संपूर्ण अस्तित्व की एकता का ज्ञान। अधूरे ज्ञान में आज भी दुनिया भटक रही है। बहुत प्रगति हुई है, बहुत सुविधाएं मिली है, बहुत सारा भौतिक ज्ञान का विस्तार हुआ है, परंतु आज भी कोरोना जैसी बीमारी सारे विश्व को 2 साल के लिए पंगु बना देती है। और उस महाआपदा में सबसे आगे कौन रहता है, सबसे ठीक कौन रहता है? भारत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अधूरी दृष्टि जो प्रचलित है उसके पास जोड़ने वाले तत्व का ज्ञान नहीं। भारत के प्राचीन पूर्वजों ने वो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ये जाना जो आज का प्रगत विज्ञान कहता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, सारा विश्व एक से निपजा है और एक से एक के कारण हम सबका संबंध है। हम दिखते अलग अलग है, बरतते अलग अलग है, खाते पीते अलग अलग है, पूजा अलग अलग करते हैं, सब प्रकार की बातें अलग अलग है, सृष्टि में विविध रंग रूप है, परंतु ये सारे एक स्तर तक भासमान रहते हैं। वास्तविकता, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। उसको देखते हुए सारा व्यवहार करना चाहिए तो भौतिक जीवन भी सुखी होगा और मृत्यु को लांघकर हम लोग अमर हो जाएंगे।
ये अगर मुझे पता है और मैं मानता हूं इस विश्व की एकता को, तो सारे विश्व को ये ज्ञान देने के लिए मेरा जन्म है, इसके प्रकाश में ये जीवन विद्या देने के लिए मेरा जन्म है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। और इसलिए आज भी सृष्टि की इन विविधताओं को आपस के कलह में न उलझाते हुए सबको साथ लेकर कैसे चलना, सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना, इसको अगर दुनिया को किसी से सीखना है तो दुनिया कहती कि हम इसको भारत से सीखे। डायवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा करता है, भारत से सीखे। पर्यावरण और विकास साथ में कैसे चल सकते हैं, विकसित भारत की जो अवस्था थी उसको देखिए। काल सुसंगत उसका रूप खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसको देखिए। सब प्रकार की परस्पर विरोधी दुविधाओं से दुनिया भरी है, दुनिया का यही स्वरूप है, उसमें द्वैत है। लेकिन अद्वैत की भूमि पर पक्का खड़ा रहकर द्वैत की दुविधा को ठीक से चलाना, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, मैनेजिंग द ड्यूअलिटीज, ये कहां से आएगा, भारत से आएगा। उसको देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। भारत का वो रूप है, भारत का वो अर्थ है, भारत का वो भाव है। अपने संविधान की प्रस्तावना में, अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में और अपने संविधान में नागरिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्य स्पष्टतया उल्लेखित है। इस बात के पीछे भारत का ही वो स्वभाव है। ये आज की बात नहीं है। भारत कोई दुनिया के पटल पर आज जन्मा हुआ देश नहीं है। अंग्रेजों ने जिसको एक किया ऐसा देश नहीं है। आक्रमकों के कारण जिसमें एकता आई ऐसा देश नहीं है। सारे विश्व की अंतर्निहित एकता को जिसने पहचाना और अपने देश की सारी विविधता को उस एक धागे में पिरोकर जिसने एक विश्वगुरु राष्ट्र का निर्माण किया, जो 3000 साल तक सतत सब प्रकार की वैभव संपन्नता के शिखर पर, सब प्रकार के पराक्रम के ऊंचे शिखर को छूता हुआ, ज्ञान देकर सारी दुनिया को समृद्ध बनाने वाला, किसी को न मिटाने वाला, किसी को न बदलने वाला ऐसा भारत रहा, वो प्राचीन भारत आज नवे कलेवर में 15 अगस्त 1947 के बाद खड़ा हुआ है। उसका विचार करना चाहिए और उसका विचार करने के लिए हमको पता चाहिए। अभी कहा गया नैरेटिव जो अभी आ गया आपके सामने नृत्य में, कि आज के इतिहासकार अपनी सभ्यता को केवल 2400 साल पुराना मानते, ये आज के इतिहासकार नहीं, ये कल के इतिहासकार है। अगर कोई ज्ञानी है इतिहास का या किसी भी शास्त्र का, विज्ञान का, उसको अप टू डेट होना पड़ता है। और अप टू डेट नॉलेज क्या है, राखी गढ़ी के उत्खनन से बाहर आया है कि कम से कम 9000 साल पुरानी जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरी भारतव्यापी सभ्यता थी और ईसा पूर्व 9000 साल कम से कम पुरानी है। हमको ये सीखना पड़ेगा। अभी ये ज्ञान है लेकिन हमारे सामने नहीं, हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं। अंग्रेजों ने जो यहां परंपरा डाली उसमें धो गया ये स्मरण। हमको उसको याद करना पड़ेगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। पाठ्यक्रम बदलेगा, फिर पुस्तकों में आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। रुकने की फुर्सत नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र भारत को बड़ा करना है, हमको ये प्राप्त करना पड़ेगा। ये उपलब्ध है, खोजेंगे तो मिलेगा, खोजना पड़ेगा। भारत की वास्तविकता को हमको जानना पड़ेगा। इतना बड़ा भूगोल था भारत का, छोटा क्यों हो गया? संस्कृत का व्याकरण जिस जगह पर जन्मा वो जगह आज भारत में क्यों नहीं है? है नहीं है, उसके पीछे किसकी रंजिश है, क्या है, वो बात छोड़ दो, लेकिन कारणों को समझना पड़ेगा। हम इस भारत को भूल गए, हम इस अपने अंतर्निहित एकता के सूत्र को भूल गए।
विदेशों के आक्रमक तो बाद में चढ़कर आए, पहले तो हमने ही अपनों को बुला दिया, हमने ही जात पात की दीवारें खड़ी कर दी, जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने दरिया जो चौड़ी खाइया बना दिया जो हमको दूर रखती है, और अज्ञानवश उसी को धर्म मानकर चलते रहे। धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म हुआ, शास्त्र में नहीं है, महापुरुषों के उपदेश में नहीं है, हमारे जो आत्मविस्मृति के कारण छोटे अहंकार बड़े हुए उसके कारण यह हुआ। उन छोटे अहंकारों को हवा देकर हमको आपस में लड़ाने की साजिश है बाद में विदेशियों ने की और स्वतंत्र भारत में आज भी चलती है, वो समझ में आना चाहिए, उससे सावधान होना चाहिए। इसलिए उस भारत को जानना पड़ेगा जो विश्वगुरु था, जो तपस्वी था, त्यागी था, परम वैभव संपन्न होने के बाद भी सारी दुनिया को खिलाता था, परम बल संपन्न होने के बाद भी किसी को पीड़ा न देते हुए दुर्बलों की रक्षा करता था। यह हमारा इतिहास है, उसको जानना पड़ेगा। जो इतिहास हमको कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने कोई रणगौरव धनगौरव प्राप्त नहीं किया, उनको सिकंदर से लेकर तो अभी तक अपने देश की सीमाओं का उल्लंघन करने वालों के साथ जो कड़ा संघर्ष हमने किया है और पग पग पर विजय पाई है, कभी लड़ाइयां हारे होंगे, युद्ध कभी नहीं हारा है, ये जो हमारा इतिहास है संघर्ष का वो बताना पड़ेगा। कितने ही आघात हमने झेले है, कितनी ही परिस्थितियां झेली है, हम चलते आए। अमृत पीकर दुनिया मरती लो, अमर हुआ मैं विष पीकर, ऐसा मृत्युंजय हमारा इतिहास है, वो हमको सुनना पड़ेगा, वो हमको समझना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। हम अमृतत्व के पुत्र हैं, वो हमारा भारत है। उस भारत के सत्य को जानना समझना ये पहली आवश्यक, दूसरी आवश्यक शर्त है, पहली मैंने बताई। इस रास्ते पर कदम बढ़ाना है तो अपना विचार छोड़कर सर्वस्व त्याग की तैयारी रखते हुए चलना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता मिली हमको ऐसे ही नहीं मिली, कितने बलिदान हुए, सब प्रकार के परिश्रम हुए, रणांगण में बलिदान हुए, शांतता में सत्याग्रह भी हुए, लोगों ने तरह तरह से अपने जीवन लगाए, किसी ने अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया हंसते हंसते, किसी ने विज्ञान के अनुसंधान में अपने आप को इसलिए लगाया कि इस क्षेत्र में भी भारत का नाम बड़ा होना है। जगदीश चंद्र बसु क्यों रिसर्च करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर से चर्चा में उनको यह प्रेरणा मिली, और इसलिए पहला विषय उन्होंने चुना भारत के सनातन तत्वज्ञान के आधार पर, चराचर अगर चैतन्यमय है तो वनस्पतियों को भी प्राण है, उनसे भी बात की जा सकती है, हर्ष शोक की संवेदना वहां भी अनुभूति में लाई जा सकती है, ये उनका संशोधन है। बहुत कठिन परिस्थिति में अपनी लेबोरेटरी क्यों चलाते थे, इसलिए कि भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाना है। प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स क्यों चला है, वो कोई किसी को केमिकल्स का व्यापार करना था इसलिए नहीं चला, इस क्षेत्र में भी भारत को आगे जाना है। अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी तिजोरी केवल मैं भारतीय हूं इसलिए नकारी गई, गोरा आदमी उसने अपने आदमी को आगे बढ़ाया, ताला मैंने बनाया वो धुतकार दिया, वो सबसे अच्छा था, भारतीयों का मान व्यापार में भी आगे बढ़े इसलिए टाटा उद्योग की सृजना हुई, और टाटा उद्योग उधर स्थापन हुआ उसका कारण विवेकानंद है, जमशेदजी टाटा से उनकी जहाज पर चर्चा हुई थी, टाटा ने व्यापार किया और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी खोली, इसके पीछे विवेकानंद की प्रेरणा है।
जहाज रानी के क्षेत्र में भारतवर्ष आगे आए, इसलिए अपनी सारी जायदाद बेचकर पट्टन स्थानु पिल्लई जी ने एक जहाज कंपनी शुरू की थी। अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्रों के द्वारा उसको डुबा दिया, बात अलग है। लेकिन ये क्यों किया उन्होंने? जहाज रानी के क्षेत्र में भारत आ गया है। कितने ही प्रकार से लोगों ने जीवन जिया है, जो जो कुछ करता था, कर सकता था, अधिकतम करके उसने देश के लिए समर्पित कर दिया। मरने वाले भी देश के लिए मरे, जीने वाले भी देश के लिए जिए। किसी को पहाड़ उठाने का सामर्थ्य था, उसने पहाड़ उठा लिया। किसी को रेती के छोटे छोटे कण डालने का ही सामर्थ्य था, उसने पूरी ताकत से सारी रेत के कण वहीं डाले, देश के भवन के निर्माण किए। इस वृत्ति से आगे बढ़ना, ये पहली बात है। ध्यान रखिए, आज हम उन शहीदों के गीत गाते हैं, आज हम उनके नाम आए तो नारे देते, तालियां बजाते हैं। उनकी ये अपेक्षा नहीं थी, उनको ये पता नहीं था। 1857 के वीरों को पराजित होते मिट्टी में मिलते, गोरे सोजरों को नष्ट करके स्वयं नष्ट होने वाले झांसी की रानी को ये पता नहीं था कि एक दिन भारत स्वतंत्र होगा और उस स्वतंत्रता की नायिकाओं में मैं एक हूंगी। वो आकांक्षा नहीं थी उनकी, उनकी तो एक ही बात थी, इस देश के लिए हमको समर्पित हो जाना है। आज वो ग्लैमर दिखता है, इन जीवनों की वो जो दीप्ति है वो आज हम देख पाते हैं। उस समय उनको उपेक्षा मिली थी, उस समय उनको सहायता नहीं मिली थी, उस समय कितनों को अकेला मरना पड़ा, कितने बर्बाद हो गए। नाम जो जानते हैं हम, उससे कम से कम 50 गुना अधिक नाम जिनको हम नहीं जानते, ऐसे लोग हैं। अज्ञात क्रांतिकारकों के सुदूर जंगलों में किसी को पता न चले, ऐसे अंत्य संस्कार करने पड़े। इस जीवन को हंसते हंसते वरण करने की हिम्मत जिनकी है वो ये कर सकते हैं। और उस हिम्मत के साथ जानकारी चाहिए, भारत क्या है। भारत संपूर्ण विश्व को, सबको जोड़ने का मंत्र देने वाला भारत है। भारत सारे विश्व को अहिंसा सिखाता है, उसी समय विश्व की सारी हिंसा का दमन करने का बाहुबल अपने बाहुबल में रखता है। वो क्षमा कर सकता है, वो सजा भी दे सकता है। इस प्रकार का सामर्थ्य उसके पास, शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को धारण कर सकता है तभी उसके पास है। गंगा उतरी भारत में शिवजी के मस्तक पर, क्योंकि अन्य कोई धारण करने वाला नहीं था। विश्व की शक्तियों को धारण करके देशों ने क्या क्या अत्याचार किए, आधुनिक इतिहास में हम देख सकते हैं। शक्ति का अवतरण जर्मनी में हुआ, हिटलर पैदा हुआ। शक्ति का अवतरण अमेरिका में हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बेचिराग हो गए। शक्ति का अवतरण चीन में थोड़ा हो गया तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम देख लें। भारत को शक्ति मिली, भारत ने क्या किया? भारत ने उस शक्ति का उपयोग विश्व के लिए विष पीकर विश्व को बचाने का काम करने में किया। भारत अहिंसा का पुजारी है, भारत दुर्बलता का पुजारी नहीं है, भारत शक्ति की आराधना करता है। मन में उस अहिंसा को धारण करके और हाथ पैरों में उस शक्ति को धारण करके हमको इस पथ पर आगे बढ़ना है, भारत को जानकर चलना है और सोचना है कि क्या करना है। पहली बात है, भारत को बड़ा बनाना है तो भारत का स्वभाव अपना स्वभाव होना चाहिए। पंथ जाति प्रांत भाषा आदि के आधार पर एक एक मनुष्य को बांट बांट कर देखना, जो अलग दिखते हैं वो एक हो ही नहीं सकते, ऐसा मानकर चलना ये भारत नहीं है। भारत मानता है एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं। एक होना तो मन की बात है,
मन की एकता होती है, समरसता होती है, उसके बलबूते प्रकृति ने जितने भेद रखे उतने भेदों को साथ चलाओ। बाकी और कोई भेद मानने की या तैयार करने की जरूरत नहीं। भारत के अवनति के काल में कई प्रकार की विकृतियां ऐसी आई है, अपने मन को पहले उससे मुक्त करना करके चलना पड़ेगा। उन भेदों के आधार पर स्वार्थ की मांगे उठती है, उन भेदों को भड़काकर स्वार्थ की लालच देकर कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती है। भावना के आवेग में उनके साथ हम न जुड़े, क्योंकि भारत संपूर्ण विश्व की एकता मानता है, वैसे ही विश्व की हर छोटी बड़ी विविधता को मान्यता देता है, स्वीकार करता है, उसका स्वागत करता है। तो छोटी विविधताएं हैं, हमारी अपनी भाषा है, हमारा अपना प्रांत है, प्रांत में हमारा उपप्रांत है, हमारी अपनी पूजा पंथ संप्रदाय है, ये सब हमको प्यारा है, प्यारा होना चाहिए। हमारे घर परिवार का एक एक सदस्य हमको प्यारा होना चाहिए। हमारा गांव, हमारा रीजन, हमारा उपप्रदेश, हमारा प्रदेश, हमारी भाषा, पूजा, खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ हमारे प्यारे होते हैं तो संपूर्ण विश्व पर प्रेम करने की हमारी क्षमता रहती है। परंतु इन छोटी पहचानों को लांग कर उसके आगे जाकर व्यापक दृष्टि से विचार करने का मन भी चाहिए। इन सब बातों को लेकर भी हमको भारत होना पड़ेगा। भारत को बड़ा करना है ना, तो भारत के सब जाति के लोग मेरे अपने हैं, भारत की सब भाषाएं मेरी अपनी भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी, भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। आपस में बात करने के लिए कोई एक भारतीय भाषा हम चुन लेंगे, पूरा भारत, उसके जल, जंगल, जमीन, जानवर सहित मेरा अपना है। हो सकता है आज कोई मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास आ जाएगा। इस अपनत्व के भरोसे आ जाएगा, उस अपनत्व को किसी शक्ति के संबल की आवश्यकता है तो वो शक्ति मेरे पास है। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है, लोग डर जाते हैं, कब होगा, डरना छोड़ देंगे तब होगा, भाई जो था वो होने में क्या दिक्कत है, होगा। परंतु हमको उस भारत को बनकर सपना देखना पड़ेगा। अगर हम भारत की दृष्टि से विचार नहीं करते तो 10,000 साल से भारत में खेती चली, जमीन नहीं बिगड़ी भारत की। जमीन कब से बिगड़ी, जब से हमने अनुभव सिद्ध अपना खेती का तंत्र छोड़कर अधिक और शीघ्र उत्पाद की लालच में रासायनिक खतों का, खादों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सारी दुनिया गड्ढे में गिर गई, हम भी अंध होकर अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्मरण को खोकर, अपने आप पर के विश्वास को खोकर विदेशों के अंधानुकरण में चले गए। आज की समस्याओं में आधे से ज्यादा समस्या है उस अंधानुकरण के कारण है। हम अपने भारत में अपने कार्यक्रम के शीर्षक में अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जब तक विजन और एक्शन नहीं कहते तब तक हमारा आकर्षण नहीं बनता विषय के साथ, ऐसा है क्या? हमको इस बात को बदलना पड़ेगा। बातें कड़वी लगेगी, आपको अप्रिय लगेगी, लेकिन यह सत्य है। इससे मुख मोड़ के काम नहीं चलेगा, इस सत्य को स्वीकार करके हमको भारत बनना पड़ेगा। भारत की भाषा, भारत की भूषा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत के जंगल, भारत के जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ मुझे मालूम चाहिए। और इस भारत का जो भाव है एकात्मता का, उस भाव का मूर्तिमंत उदाहरण मेरा जीवन होना चाहिए। फिर बात आती है कि हम करने चले जाए उसके पहले हम इस देश की भक्ति को अपने दैनंदिन जीवन की प्रत्येक कृति में उतारे। कैसे उतारना? भगिनी निवेदिता कहती है कि
कि स्वतंत्र देश में देशभक्ति का रूप होता है नागरिक अनुशासन। अंग्रेजी में वो लिखती थी सिविक डिसिप्लिन, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। हमको इस अनुशासन की बहुत आवश्यकता है भाई। जिस देश के धर्म के चार पैरों में एक है शुचिता, अंतर्बाह्य स्वच्छता, वहां स्वच्छता के अभियान चलाने पड़ते हैं। और अभियान चलाने के बाद भी अभी भी रास्ते के दोनों तरफ कई जगह कचरों के दर्शन होते हैं। तो हम बातें करेंगे बड़े भारत की और छोटी बातें ऐसी ही छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। धर्म प्राण भारत की बात करेंगे, सत्य जिसका धर्म है, करुणा जिसका सत्य जिसका अंग है, करुणा जिसका अंग है, शुचिता अंग है और तपस्या अंग है। हम ऐसी अस्वच्छता देखेंगे क्योंकि उस कचरे को जमा करके योग्य जगह डालने में ज्यादा परिश्रम लगता है, फेंक दिया बाजू में तो एक ना एक दिन कारपोरेशन उठा के ले ही जाएगा। इस शॉर्टकट को लेने वाले तपस्या की बात कैसा कर सकेंगे। हमको अपने जीवन को परिश्रम का जीवन बनाना पड़ेगा। हम तपस्या करेंगे, किसी भी बात को छोटे रास्ते से नहीं चाहेंगे। जो भी चाहिए वो पूरी कीमत चुका कर लेंगे, दान में या मुफ्त मिलता है इसलिए उसके पीछे दौड़ते हुए ऐसा नहीं लेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने आप को अंतर्बाह्य स्वच्छ रखेंगे। ऐसा जब होता है तब नागरिक अनुशासन का पालन होता है। हर बार अपने देशवासियों का, अपना देश का विचार करके हर कृति को करना, यह मेरे लिए ठीक है लेकिन इसका परिणाम आसपास क्या होने वाला है, मेरे गांव पर क्या होगा, मेरे देशवासियों पर क्या होगा, मेरे देश के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका विचार करके हर बात को जीना पड़ेगा। आगे चल के यही विचार विस्तारित होता है तो फिर देश की नीतियों में विचार इसका किया जाता है कि जो भी करना है वो देश के लिए उचित है कि नहीं। जो परंपरा से चलता आया है उसमें से देशानुकूल कितना है, युगानुकूल कितना है, और जो बाहर से आया है, बाहर से भी आता है, ज्ञान कोई बपौती नहीं है किसी की, सारे विश्व के ज्ञान में से जो आता है हमारे पास वो देश के लिए हितकारक है तो देश के लिए हितकारक बना के लेना। जो स्वदेशी है वो युगानुकूल चाहिए और जो विदेशी है वो देशानुकूल चाहिए। वो बनाने की बुद्धि तब बनती है जब अपने जीवन में इस प्रकार की शुचिता और परिश्रम की आदत रहती है। नागरिक नियमों का पालन, समस्याएं होती है उसके लिए गुहार लगानी पड़ती है लेकिन बसेस क्यों जलाना। अंग्रेजों के जमाने में हमने सविनय सत्याग्रह किया, जो हमारे शत्रु थे हमको गुलाम बनाने वाले थे, उनको यहां सत्याग्रह नागपुर में हुआ 1920 वाला 21 वाला, तो उस सत्याग्रह में डॉक्टर साहब ने बचाव का भाषण दिया लेकिन सत्याग्रह का यह था कि बचाव भी नहीं करना, कानून तोड़ना और कानून तोड़ने की जो सजा मिलती है लेना। ऐसा उस समय हमने किया। हमारे अपने स्वतंत्र देश में हमने चुनी हुई सरकार जिस किसी पार्टी की जहां पर हो, अगर कोई गुहार लगानी है तो हम अपने सार्वजनिक संपत्ति को कैसे जलाते, हम अपने बात के पीछे लोगों को जमा करने के लिए उनके सामने किसी शत्रु को क्यों खड़ा करते हैं। स्वतंत्रता के पहले हमको गुलाम बनाने वाले हमारे सामने शत्रु के नाते खड़े थे। शत्रु सामने है तो जोश आता ही है, आज कोई शत्रु नहीं है तो जोश दिलाने के लिए हम में से ही हम किसी को शत्रु बनाकर लोगों के सामने खड़ा करते हैं, आपस की छोटी पहचानों में शत्रुता ऐसा खड़ा करते हैं उनको। यह सब आदतें छोड़नी पड़ेगी। नागरिक अनुशासन का पालन इसमें यह भी आता है, जो जो अपने देश के हित के लिए आवश्यक है करेंगे। हमने बनाई व्यवस्था है, हमारे प्रतिनिधियों ने मिलकर दिया संविधान है, उसका ठीक से पालन हो।
वो संविधान इतना उदार है कि अगर हमको लगता है उसमें कुछ बदलना है तो उसी में व्यवस्था है, जिनको करना है वहां का पालन करेंगे। लेकिन संविधान जो कुछ है आज की तारीख में, जो कानून बना है, जो अनुशासन बना है, हम उसका श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे, ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। फिर जो भी काम हम करना चाहेंगे उसको ईमानदारी से उत्कृष्ट करने का सीखना, उत्कृष्ट होना चाहिए। विश्व में उत्कृष्टता की कीमत होती है। कितना ही हमको गुलाम किया गया, कितना ही हमको अपमानित किया गया, हमारे अपने मन में हमारे पूर्वजों के प्रति हीन भावना भरने का काम हुआ, लेकिन ये जो कुचालों का षड्यंत्र है, बड़ा कुटिल और सर्वत्र विश्व में जो अजेय था, वो हमारे संगीत के सामने परास्त हो गया। संगीत को वो कम नहीं कर सके। आज भी भारतीय संगीत का बोलबाला सर्वत्र है। क्यों? एक उत्कृष्टता के स्तर पर उसको रखा है, वहां से नीचे गिराने का की तजवीज हो ही नहीं सकती। हमारे योग को फिर से मानना पड़ रहा है, संस्कृत भाषा की उपयुक्तता का, क्योंकि ये उत्कृष्टता के उस स्तर पर पहुंची है जहां से कभी गिरना नहीं होता है। हमको अपने हर काम को मन लगाकर उत्कृष्ट करना सीखना होगा, छोटा काम हो बड़ा काम हो, अपने देश में करने का हो, विदेश में जाके बताने का हो। ऐसा कहते हैं कि तिलक जी को उनके पुत्र ने पत्र लिखा कि आप गणित के विद्वान हैं, इसलिए आप चाहते हो मुझे गणित में ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे गणित में तो बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों थोप रहे हो मेरे पर? अगर मुझे जूता सिलाने का काम अच्छा लगता है तो मुझे वही करने देना चाहिए, आप ये क्यों नहीं करते? तो तिलक जी ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हारी बात सही है, तुमको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए तुमने, तुमको जूता सिलाने का काम है तुम करो। मेरा कहना इतना ही है कि जूता सिलना सीखो तो ऐसा सीखो कि पूना शहर में लोग कहें कि अगर जूता सिला कर लेना है तो तिलक जी के लड़के के पास से ही लेना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार बनाकर अपने हुकुम से सामने नचाने वाले संत कितने ही काम करने वाले होते थे। कोई कुम्हार थे, कोई नाई थे, कोई तो जिनको दुर्भाग्य से अस्पृश्य कहा गया ऐसे थे, कोई बाग बगीचे का काम करने वाले थे, और सब कोई विद्वान दशग्रंथी ब्राह्मण नहीं थे, वो तो बहुत थोड़े थे। अपने काम को ठीक करना, योग कर्म सुकौशलम, इस संदेश का आचरण करते हैं तो अपने अपने कर्म योग से भी सर्वोच्च श्रेष्ठ तत्व को पाया जा सकता है। यह भारत का संदेश है, इसलिए उसका आचरण करना। जो भी आप कर रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो उत्कृष्ट इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना चाहते हो उत्कृष्ट डॉक्टर बनो, लेकिन कर्म की कुशलता में केवल कर्म उत्कृष्ट करना नहीं होता, कुशलता का एक अर्थ है। जैसे गीता में योग कर्म सुकौशलम कहा है, वैसे तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा ऐसा कहा है। कर्म करते हैं अपना पेट पालने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए, उपसंपदा के लिए, वो कुशल होनी चाहिए, ऐसे तथागत ने भी कहा है। तो कुशल शब्द का अर्थ क्या है? कुशल शब्द का अर्थ है कि वो करते समय दूसरे किसी की हानि न हो, और ये थोड़ा नकारात्मक हो जाता, न हो, उसको सकारात्मक जोड़ देंगे, दूसरे लोगों का भी उपकार हो, वो कुशल कर्म है। तो हम उत्कृष्ट डॉक्टर बनेंगे, हम उत्कृष्ट डॉक्टर है इसलिए हम जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में स्वास्थ्य उत्तम हो गया लोगों का हमारे कारण, तो हमारी डॉक्टरी का उपयोग है। केवल ऊंचा होने से क्या होता है? ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसी उत्कृष्टता किस काम की? अटल जी तो प्रार्थना करते, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना
कि मैं किसी घास के उगते तिनके से बात न कर सकूं। इतना दूर मत करना कि मैं अपनों से ही दूर हो जाऊं। हमको उत्कृष्ट होना है और हमको उपकारी होना है। उपकारी यानी अहंकार नहीं, जीवन का ये मंत्र है अपने यहां, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। कर्म ऐसा करो, उत्कृष्ट कर्म करो, तो आपके कर्मयोग से ही आप वहां तक जाओगे। लेकिन ये कर्म केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं होता, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एकांत में उसकी साधना, लोकांत में परोपकारी जीवन, ऐसा अपना जीवन बने। और ऐसा अगर अपना जीवन बनना है तो उस जीवन का जीने वाला मैं हूं, मुझे ठीक रहना चाहिए, मेरी आदत है, मेरा स्वास्थ्य, मेरा व्यायाम, मेरी शिक्षा, उसके लिए समय देना पड़ता है, देना ही चाहिए। अपने परिवार को ठीक रखना पड़ता है, क्योंकि परिवार स्वस्थ रहे तो हम स्वस्थता से सारे काम कर सकते हैं। परिवार की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन अभी से तीसरी चिंता भी करना सीख लीजिए। रोज मेरे लिए मैं समय देता हूं, अभी मैं कमा नहीं रहा हूं तो मेरे पिताजी माताजी कोई ना कोई पैसा खर्चा कर रहे, कमाई भी जाती है रोज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी ऐसा ही होता है, होना ही चाहिए। परंतु तीसरा समाज है, उसके लिए भी रोज मेरा समय और मैं जितना खर्चा कर सकता हूं उतना पैसा खर्चा होना चाहिए। अपने समाज के दुख दारिद्र्य अभाव कष्ट को दूर करने का कोई काम, उसमें मैं रोज समय देता हूं, अभी से आदत लगनी चाहिए। आज समय और संपत्ति निकालने की आदत लगाएंगे, कल अगर जरूरत पड़ती है भारत माता को फिर से प्राणों के बलि की, तो एकाएक नहीं आते, समाज का वातावरण देता है, ये वातावरण समाज में नित्य चाहिए। आक्रमण का ताता लगा, लेकिन समाज की नित्य सिद्ध शक्ति ऐसी थी, जितने मांगे उतने वीर दिए, जैसा आक्रमण था वैसा जवाब देने वाले दिए। कैसी लड़ाई सिकंदर पोरस की हुई थी, वैसी अनंगपाल और घोरी की नहीं हुई थी, वैसी छत्रसाल और औरंगजेब की नहीं हुई थी, वैसे शिवाजी महाराज की पांच पांच बादशाहों से नहीं हुई थी, राणा प्रताप उसी तरीके से नहीं, सबके तरीके लड़ने के अलग अलग थे। लड़ाइयां होते 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 सुभाष बाबू की एक तरीके से लड़ाई, गांधी जी की दूसरे तरीके से लड़ाई, समाज सुधारकों की अपने समाज की कमियों से तीसरे प्रकार की लड़ाई, और आत्मविस्मृत समाज को स्व का भान देने वाले दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कार्य, इनकी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से लड़ाई, अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग प्रकार से लड़ना पड़ता है। उस लड़ाई करने वालों को समाज ने दिया, संकट सामने था, संकट देश के अंदर था, आज सामने कोई नहीं है तो समाज सो जाता है। आपस के झगड़े, जात पात के झगड़े चलते, भाषाओं के झगड़े चलते, आंदोलन चलते, लूटपाट सब चलता है, लेकिन कारगिल जैसा कोई हादसा हो जाए तो तुरंत सारा समाज सब भूल के देश के लिए लग जाता है। तो यह तो कोई नहीं कह सकता कि भारतवासियों की क्षमता नहीं है, भारतवासियों की क्षमता है। 1947 के बाद एक नहीं पांच पांच बार उन्होंने दिखा दी है इस भारत को स्वतंत्र रखने को, इस भारत को प्रजातांत्रिक रखने को, इस भारत को सबको समान मानकर चलने वाला भारत बनाकर रखने को। यहां का सामान्य व्यक्ति भी कटिबद्ध है और समय आता है तो परिश्रम करता है, चुनौती संकट आता है तो परिश्रम करता है, यह आज भी है। इसलिए किसी प्रकार के निराशा की जरूरत नहीं, बस एक बात की आवश्यकता है कि संकट आता है तो हम तैयार रहते हैं, हम तैयार रहे तो संकट आएगा ही नहीं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में को करे न कोई,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम सदैव तैयार रहे, क्योंकि आगे तो जाना ही है, संकट हो ना हो चलना तो है ही, रास्ता सीधा है, सामने दिख रहा है, सपाट है, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई बीच में आने वाला नहीं। ये होने के बाद भी चलकर तो जाना है ही, और इसलिए इस तैयारी की आवश्यकता है। हम इसको करें और अधिकाधिक लोगों के पास जाकर अपनी मित्रता के आधार पर, अपने उदाहरण के आधार पर उनको भी इस रास्ते पर हमारा सहयात्री बनाएं। संपूर्ण देश विश्व की अशांति, विश्व के संकट दूर करने के लिए विश्व को रास्ता दिखाने वाला बलशाली, एकात्म, सामरस्यपूर्ण विश्वगुरु भारत खड़ा करने के काम में जीने मरने की शर्त लेकर, जीने मरने की जिद लेकर जुटा है। ऐसे अपने समाज को खड़ा करने वाला जो कोई काम है, एक ही होगा ऐसा नहीं है, मैं संघ को जानता हूं लेकिन और भी लोग हैं। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, ये ध्यान में रखिए, नहीं तो ठोकर खाएंगे। नकली माल से सावधान, और असली की पहचान क्या है? वहां प्रामाणिकता है, वहां स्वार्थ यत्किंचित भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में, जितना खराब हो रहा है ऐसा बताने वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथ में है सारा माइक्रोफोन वगैरह, इसलिए ज्यादा वो आता है। लेकिन वो जितना कहते हैं उससे 40 गुना अधिक अच्छा भारत में करने वाले लोग हैं, व्यक्ति है, संगठन है, संस्थाएं हैं। हम किसी न किसी प्रयास के अंग बने, अथवा अपनी प्रतिभा से हम हमारा अपना शुरू करें प्रयास। लेकिन वृत्तपत्र में नाम छपेगा पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, भारत के भावी तारणहार, संघ में हम कहते हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ये एक व्रत का कंकण बांधकर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए कल के स्वातंत्र्य दिन के एक दिन पूर्व आपने मुझे बुलाया है, संदेश वगैरह तो मैं देता नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, आप में से भी अनेक लोग काम कर रहे होंगे और बाकी सब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। किसी भी मार्ग से काम करना शुरू कर दीजिए, संकल्प लीजिए कि हम ढूंढेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, ऐसा कोई काम ढूंढकर उसका अंग बनकर आजीवन अपने लिए कुछ न चाहते हुए केवल समाज और देश के लिए काम करेंगे। जो भी करेंगे उसके लिए करेंगे, फांसी जाएंगे देश के लिए, घर में बैठ के अपना काम करेंगे, उत्तम करेंगे उसके लिए, पैसा देंगे उसके लिए, गीत गाएंगे उसके लिए, जो कुछ मेरा जीवन होगा बस भारत के लिए होगा। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस प्रकार की भावना लेकर अपने जीवन के शिल्पकार बनने का संकल्प आप लीजिए और कल का स्वातंत्र्य दिन मनाइए। ये एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरी चार शब्द समाप्त।